Hello guys, do you know me? Okay, I will introduce myself. I am Mahesh Verma, founder of Champcash application. Today the topic is very serious topic. Today we are going to discuss here about the removing unemployment from India. So it's a very serious topic. If you guys wants to remove the unemployment from India, then please listen my whole speech. It will be around 15 to 20 minutes of speech with the PowerPoint presentation. Okay. So firstly, we have to change the environment first. तो सबसे पहले एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं, या थोड़ा सा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट लग रहा है। भारत माता की, मजा नहीं आया। भारत माता की, वंदे वंदे। हाँ, अब लगा कि हाँ लोग बैठे हैं, नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि कोई बैठा भी है यहाँ पर। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर यू डोंट नो हिंदी, यू डोंट नो little bit no hindi? Okay, so my speech will be English plus Hindi both, or I hope ki you will understand what I am saying here. Okay, so this is the topic, removing the unemployment from India. But right now, firstly I have to tell you that how we have removed the unemployment from India, what we are, hum kis tarah se kaam kar rahe hain, aur main yahan par kyun khada hu. Sabse pehle to main थैंक्स करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू थैंक जिमासा फॉर गिविंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हियर ऑन द टॉपिक ऑफ रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया. सो हाउ वी आर रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट, वट वी आर, आई विल टेल यू. सो आई एम द फाउंडर ऑफ चैम्पकैश, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस. आई विल वॉन्ट टू गिव यू द आइडिया ऑन रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो हम किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करें, हाउ वी आर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ. एक्चुअली वी हैव एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन राइट नाउ, इट्स नेम इज चैम्पकैश. व्हाट इज चैम्पकैश? चैम्पकैश इज अ फ्री नेटवर्क मार्केटिंग प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग ऐप थ्रू विच पीपल आर अर्निंग विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल मनी. हाउ पीपल इंस्टॉल द एप्स, दे रेफर्स टू द पीपल एंड दे इंस्टॉल द अदर एप्स. मतलब लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं चैम्पकैश की, उसके अंदर अदर एप्स को इंस्टॉल करते हैं. किसकी ऐप? एडवर्टाइजर्स ऐप. ओके, सो एडवर्टाइजर आर पेइंग टू चैम्पकैश एंड चैम्पकैश पेइंग टू द यूजर्स. अभी इतना नहीं था, इसके बाद भी हम लोगों ने काम किया कि सपोज आई एम इंस्टॉलिंग द एप्स, आई एम रेफरिंग टू यू, यू इंस्टॉल द एप्स, यू विल अर्न, आई विल ऑल्सो अर्न. इफ यू रेफर टू समवन, देन ही विल ऑल्सो अर्न, यू विल ऑल्सो अर्न, आई विल ऑल्सो अर्न. इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग, मीन्स आपकी भाषा में चेन सिस्टम बोल सकते हैं, पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता. पता है क्या है, मल्टी लेयर मार्केटिंग को आज के टाइम में इतना बदनाम कर दिया गया है, इतना बदनाम कर दिया गया कि लोग क्या एडवर्टाइजर्स खुद या इवन बड़ी बड़ी कंपनीज खुद MLM का नाम सुनते ही ना पीछे हटती हैं. सो वी आर हेयर कि हम इस नाम को ठीक कर सके. मल्टीलेयर मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस विच यू कैन डू. एक मल्टीलेयर मार्केटिंग ही है जो एक पर्सन को रोडपति से करोड़पति बना सकती है रातों रात. ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं, लोगों को रेफर कर रहे हैं और लोग आगे रेफर कर रहे हैं 7 levels तक. लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर पैसा लेते नहीं किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट है. एडवर्टाइजर पैसा देता है और हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद अभी 2 साल के अंदर अंदर चैम्पकैश से 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं. क्या ये नंबर ठीक है? क्यों जुड़े? एक फ्री सिस्टम है, चैम्पकैश लोगों को अच्छा लगा इसलिए जुड़े, चैम्पकैश से लोगों को अर्निंग आती है इसलिए जुड़े. अब उसके बाद अभी सबसे पहले तो अब हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं, व्हेन वी गो इन द मार्केट, देन इफ यू हैव टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस. So if you want to start any business, can you listen that it's, you can start a business in free of cost. बिना पैसा लगाए कोई business start किया जाता है क्या? अभी जब हमने चैम्पकैश को शुरू किया था ना, लोग मजाक उड़ाते थे यार, फ्रॉड होगा, बिना पैसा लगाए कोई business होता है क्या?
तो हमने उस चीज को प्रूफ करके दिखाया, यस बिना पैसा लगाए भी बिजनेस होता है और बेस्ट बिजनेस होता है। उसका प्रूफ मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे अर्निंग किस किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। द पीपल आर अर्निंग बाय इंस्टॉलिंग एप्स, बाय रेफरिंग टू पीपल, बाय वॉचिंग वीडियोज, बाय प्लेइंग गेम्स एंड मैनी अदर थिंग्स, बाय शॉपिंग टू डूइंग शॉपिंग टू द फ्लिपकार्ट एंड ऑल अदर्स CPS campaigns we are running, but all are the things on network marketing. We are going to launch a product Sasta Recharge. It's like a Paytm. पर वहाँ पर क्या होता है, Paytm में you do recharge, आपको कुछ नहीं मिलता। Champcash में क्या होगा, आप recharge करोगे, आपको अलग से commission भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं उसकी power को बताऊँगा कि किस तरह से हम इससे unemployment खत्म कर सकते हैं। I'm not here to only show you our Champcash. I'm here to show how we can remove unemployment. ये एक डेमो है जिससे आप लोगों को विश्वास होगा कि यस मैं जो बोल रहा हूँ ना ये सच में प्रूफ हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। अब देखिए Champcash का प्रमोशन लोग किस हद तक कर रहे हैं, किस दीवानगी से कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मोर देन 10 लाख लेडीज आर वर्किंग विद Champcash ऑन द ग्राउंड लेवल, दे आर प्रमोटिंग Champcash। ग्राउंड लेवल प्रमोशन स्टैंडीज लगाई जाती है, कनोपीज लगाई जाती है, वी डोंट नो देम। कोई चेन्नई से होगी, कोई असम से होगी, कोई गुजरात से होगा, कोई पंजाब से होगा। अब 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, लोग प्रमोशन कर रहे हैं, अर्निंग आ रही है तो अपने आप ही प्रमोशन करेंगे ना। देखिए किस तरह से ये लड़का साइकिल पर Champcash का प्रमोशन कर रहे हैं। इसके पास पैसा नहीं था, अभी इसने किसी तरह से इस बैनर का इंतजाम किया और घर घर जाके बाजार बाजार में जाके लोगों को जोड़ना शुरू किया। क्यों, ये पागल थोड़ी था, इसको पता था ना कि Champcash से अर्निंग आती है और कैसे आती है, फ्री में अर्निंग आती है। इसी वजह से इन्होंने काम करना शुरू किया। ये देखिए लोग किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ये लोग अपनी शॉप्स पर इवन बैनर्स लगा रहे हैं, ये हमारा ऑफिस नहीं है, ये किसी ने अपनी शॉप पर Champcash के बैनर लगाए हुए हैं। हमें पता नहीं है ये कहाँ है वो शॉप, हमें व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे आए, हमने यहाँ डाल दिया। ये है मोबाइल शॉप है। उसके बाद दिस पर्सन इज हैंडीकैप, ही इज प्रमोटिंग Champcash, ही नोज द पावर ऑफ Champcash, ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम Champcash। और एक मोटिवेट कर सकता है ये चीज़ हमें, क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना चाहते हैं तो हमें सबको सबसे पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। वी हैव टू मोटिवेट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट, आफ्टर दैट ओनली वी कैन वर्क, तभी काम किया जा सकता है। विदाउट मोटिवेट, डीमोटिवेट होके कोई काम नहीं होता। अगर आप यहाँ पे सब लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई सुनेगा कि नहीं किसी को, तो क्या फायदा उस चीज़ का, है ना। तो सबसे पहले मोटिवेट करना होता है। सो दिस इज द गाय ऑल्सो, ही इज ऑल्सो हैंडीकैप एंड ही इज प्रोमोटिंग Champcash, he is working in Champcash. Okay, अभी ये लड़का है, अभी 18 साल की उम्र है इसकी, he is only 18 year old, he is earning 70,000 rupees per month from Champcash. 18 साल का लड़का 12वीं क्लास अभी पास की है, और 12वीं क्लास पास करने के बाद 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद he is earning 70,000 without investing a single rupee. कुछ दम होगा तभी तो। हिज नेटवर्क इज मोर देन 5 लाख पीपल ऑफ Champcash, 5 लाख लोग से ज्यादा इसके साथ जुड़ चुके हैं आज के टाइम में। दीज आर द ग्रेट मोमेंट्स, वी डू सम इवेंट्स एंड सेमिनार ऑल्सो, सो दीज आर सम मोमेंट्स। न्यूज़पेपर्स में भी कुछ थोड़ा बहुत आता रहता है मेरे बारे में कि अच्छा काम किया तो अच्छा लगता है। ये कुछ नेशनल न्यूज़ चैनल पर, DD न्यूज़ पर एंड ऑन द PTC न्यूज़ दे शोड अस कि Champcash क्या है, किस तरह से वर्क करता है। नेशनल प्राइड अवार्ड मुझे मिला था, तो आई फील प्राउड फॉर दैट ऑल्सो। तो मतलब अब यहाँ से मेरा टॉपिक शुरू होगा। दिस वाज कि यस मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, कुछ बोलने के लिए खड़ा हूँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, तो उसके लिए कुछ रीजन होगा। हम किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से, और वो कैसे खत्म हो सकती है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं अपने इंडिया में,
all over the world there are more than 8 lakh people who commit suicide yearly. और 1,35,000 लोग जो है वो इंडिया में सुसाइड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयड लोग इतने हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू. पीपल डोंट नो हाउ वी कैन अर्न. दे जस्ट फाइंड आउट दैट हाउ वी कैन अर्न एंड दे डोंट गेट द रीजन, दे डोंट गेट द जॉब. और फर्स्ट मतलब फ्रस्ट्रेट होके दे कमिट सुसाइड. किसान सुसाइड कमिट कर लेता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो अपना लोन नहीं चुका पाया. सिर्फ इसी वजह से एक स्टूडेंट इसी वजह से सुसाइड कमिट कर लेता है क्योंकि उसको एग्जाम में नंबर कम आए और पापा जो थे वो बहुत गरीब थे, अगली क्लास में नहीं करवा पाए. मतलब कि हमें, अगर हम अपने आप को इतना एम्पावर्ड कर देंगे कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े तो कैसा रहेगा? कौन सुसाइड करेगा सिर्फ अनएम्प्लॉयड होने के कारण? इतनी नौकरियां, इतने बिजनेसेस बना दो इस दुनिया के अंदर कि पूरे जहान में, इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो. और वो एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होगी वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से क्रिएट होगी. अभी क्या है, हम लोग नए नए आइडियाज नहीं सोचते. अभी मुझे आइडिया आया चैम्पकैश के बारे में. चैम्पकैश ने देखो आज यहां तक पहुंचा दिया. मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा. देखिए, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से, यू आर फ्रॉम द बिग बिग कंपनीज हियर एंड यू हैव टू थिंक द बिग आइडियाज टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट. आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, देना चाहिए भी, कि अगर हम लोग, इफ वी आर वर्किंग ऑन द डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया कंसेप्ट इन फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. सो आई आस्क यू टू बी विद अस. हमें सबसे पहले तो न्यू आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे कि हम नए आइडियाज को जनरेट करके किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. अभी रिलायंस जियो के बारे में यहाँ पे सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोज, सभी को पता है रिलायंस जियो के बारे में. सो तो नहीं गए सब? यस बोलेंगे. रिलायंस जियो नोज एवरीवन? ठीक है. अभी रिलायंस जियो ने इतना बड़ा कस्टमर बेस डाटाबेस बना लिया, इतने लोग जोड़ लिए. अभी तो आया था 6-7 महीने पहले. एकदम से ऐसा क्या होगा कि एयरटेल भी चला गया, वोडाफोन भी चला गया, मतलब सब पीछे हो गए, रिलायंस जियो नंबर वन बन गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि चैम्पकैश में 2 करोड़ लोग 2 साल के अंदर जुड़ गए? चैम्पकैश को तो कोई जानता भी नहीं था. नो वन नोज अबाउट चैम्पकैश. बट चैम्पकैश ने लोगों में कुछ विश्वास पैदा किया, कुछ अर्निंग दी, तभी लोग चैम्पकैश को जानने लगे. अब रिलायंस जियो और चैम्पकैश इतने फेमस हुए क्यों? इसका कारण है ये फ्री है. द फ्री, पता क्या है, लोग बोलते हैं कि आने वाले टाइम में महंगाई होने वाली है, बट मैं कहता हूं आने वाले टाइम में हर चीज फ्री मिलने वाली है आप लोगों को. हंसी आएगी ये बात सुनकर, पर उसके पीछे फैक्ट है. अभी रिलायंस जियो ने, ये पागल था कि इसने फ्री में इतना बड़ा, मतलब इन्हें सबको सिम दे दिए, इंटरनेट चला दिया, फ्री में चला दिया. नहीं, ये बहुत चालाक है. अभी चैम्पकैश देख लो ना, फ्री में सबको अर्निंग दी, एडवर्टाइजर से अर्निंग आई. फ्री में अगर आप कोई भी सिस्टम शुरू करते हैं, आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं या आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो ट्राई टू डू इन अ फ्री थिंग. क्या होता है कि ना, लोग फ्री के पीछे ज्यादा भागते हैं. हमसे पहले हमारे कंपटीटर्स बहुत थे, पॉकेट लड्डू, ऑन टॉक टाइम, हम कुछ भी नहीं थे उससे पहले. और मतलब कि हमने फ्री सिस्टम के साथ उसके साथ नेटवर्किंग जोड़ दी, कुछ नया लेके आए. मतलब कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए. अब इससे पहले, जियो से पहले क्या था? एयरटेल था, वोडाफोन था. अब ये क्यों चल गया? ये फ्री था, इस वजह से इतना चला. अब उसके बाद अगर हम फ्री और नेटवर्किंग को जोड़ दें आपस में, एक तो फ्री हो गया और साथ में मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, तो धमाका हो जाएगा. धमाका कैसे हो गया? कि चैम्पकैश ने वो चीज प्रूफ करके दिखाई है. चैम्पकैश प्रूफ दैट फ्री बिजनेस प्लस मल्टी लेवल मार्केटिंग कैन बूम इन एवरी फील्ड, इन एवरी कंट्री. और उसका एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा चैम्पकैश की, 2 करोड़ लोग जुड़े हैं
अगर 2 करोड़ लोग जुड़े ना होते ना तो मैं यहां ना होता आज। अगर ये फ्री और नेटवर्किंग ना चल रही होती ना, इन दोनों का अगर जोड़ ना चलता, तो आज चैंपकैश में 2 करोड़ लोग ना जुड़ते। अभी मेन चीज ना ये है मेन चीज जिस वजह से मैं यहां पर आया हूं आज। अभी आप लोग सोचिए, ये मैंने 4 लोगों डाले हैं, पर ये 4 नहीं, दुनिया की हर कंपनी पे ये और इंडिया की हर कंपनी पे ये इंप्लीमेंट हो सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। सोचो, पतंजलि वाला बाबा रामदेव जी अगर पतंजलि के प्रोडक्ट्स में मल्टीलेयर मार्केटिंग निकाल दे तो कैसा होगा। सोचिए कि आज हम हेयर ऑयल लगाते हैं, पतंजलि की साबुन लगाते हैं, दवाई खाते हैं, अभी एक प्रोडक्ट 100 रुपए का लेते हैं, पतंजलि को 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए कमीशन बचती है। अगर वो 10 रुपए कमीशन ना बचाए, वो सिर्फ 5 रुपए कमीशन बचा ले, होगा क्या? 1 मिनट, होगा क्या? 5 रुपए कमीशन बचाकर 5 रुपए का लॉस, मतलब 50% का लॉस हुआ उसका। अब 50% का लॉस हुआ और वो जो बाकी के 50% है ना, जो बाकी के 5 रुपए, वो 5 रुपए वो नेटवर्किंग में बांट दे। कैसे? मैं गया पतंजलि पर, मैंने प्रोडक्ट लिया, पतंजलि वाला बोलता है कि अगर आप किसी और को प्रोडक्ट खरीदवाओगे ना तो हम आपको इतना कमीशन देंगे। अच्छा, अभी खरीदवाता हूँ। मैंने दूसरे दोस्त को खरीदवाया, उसको भी बोला कि भाई तू भी किसी को प्रोडक्ट खरीदवाएगा ना तुझे और कमीशन मिलेगा, वो भी कहेगा यार बढ़िया है। अब हुआ क्या उससे, अब जो लोग पतंजलि का प्रोडक्ट अभी खरीद रहे हैं इस वक्त पे, उन्हें कोई अर्निंग तो नहीं हो रही, पर जो लोग पतंजलि का प्रोडक्ट नेटवर्किंग के थ्रू खरीदेंगे, सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ पतंजलि की वजह से। मतलब मैं पतंजलि से क्या हर कंपनी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग अपने बिजनेस में लेके आओ, फ्री वाली लेके आओ, अदरवाइज वो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि जितनी भी कंपनी है एमएलएम बदनाम इसी वजह से है कि लोग पैसा डाल देते हैं उसके बीच में। प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ाना, प्रोडक्ट उतने का ही देना है। अगर आपने 50% का अपना लॉस कर लिया ना, पतंजलि ने 50% का लॉस कर लिया, तो उसको 10 गुना ज्यादा कस्टमर मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल। अब दूसरी बात पेटीएम की, अभी हम पेटीएम में रिचार्ज करते हैं, हमें 100 रुपए का रिचार्ज किया, हमें कुछ मिलता है? शायद 5 रुपए का कैशबैक मिल जाता होगा, ठीक है, पर क्या उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। पेटीएम आप अगर 5 रुपए का कैशबैक ना देके आप सिर्फ 2 रुपए का कैशबैक दोगे, जो बाकी 3 रुपए है ना वो नेटवर्किंग में बांट दो। आपकी अगर एक दिन की सेल 10 करोड़ रुपए की होती है, 10 करोड़ के रिचार्ज होते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी एक दिन में 100 करोड़ रुपए के रिचार्ज होंगे, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अलग से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। मैं अपने दोस्त को रेफर करूंगा कि पेटीएम से रिचार्ज करो। अच्छा क्यों? पैसा मिलेगा भाई। अच्छा वो कहेगा भाई तू भी कर। क्यों? पैसा मिलेगा। अब उसके दोस्त से जो पता नहीं कहां पर होगा, उसका दोस्त एक, मैं हरियाणा बैठा हूं, वो बैठा है गुजरात में, उससे भी मुझे इनकम आ रही है, मेरी धीरे 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 टीम बन गई। अब आज के टाइम में 15 से 20 करोड़ यूजर डाटाबेस है पेटीएम के पास, अगर पेटीएम चाहे अगर नेटवर्किंग ले आए तो सोचो कितने लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। जितने यूजर डाटाबेस है एटलीस्ट उनकी तो हो ही जाएगी। कितने लोग इस बात से सहमत है जो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आर यू एग्री विद माई टॉक्स? थैंक यू। अभी यही चीज हम हर बिजनेस में शुरू करेंगे, हर बिजनेस में। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास यहाँ पे ये एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान सुसाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डाल दो एमएलएम, पैसा नहीं लेना, जितना किसान ने देना था उतना ही देना है, पर नेटवर्किंग दो। मतलब अगर हम किसी बंदे को कुछ ना कुछ लालच देंगे ना तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और अगर वो लेवल मल्टी लेवल तक चला गया तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। हर छोटी छोटी दुकान, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा, एक किराना स्टोर मेरे पड़ोस में है, वो पड़ोस में किराना स्टोर जो है वो सामान बेचता था, डेली की सेल उसकी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपए की होती थी। अब उसको एक आइडिया दिया किसी ने कि आप ना इस तरह से करो, उसने क्या किया, एक बंदा आया उसके शॉप से 100 रुपए का सामान लिया। पहले क्या होता था, 100 रुपए का सामान लेता था वापस चला जाता था, उससे दोबारा सामान शायद लेने आता हो या ना लेने आता हो, एक सेकंड। उसके बाद
अब वो 100 रुपए का सामान लेने गया, उसने कहा भाई तू 100 रुपए का सामान ले रहा, मैं तेरे को 1 रुपए कमीशन दूंगा, और अगर तूने और किसी को भी बुला लिया, रेफर कर दिया, तो मैं उस पर भी तेरे को कमीशन दूंगा और तेरे दोस्त को भी कमीशन दूंगा। मतलब इससे हुआ क्या, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, लाखों लोग उसकी दुकान से सामान खरीदने लगे और उसका वो दुकान शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये सब चीजें रियलिटी हो सकती हैं, क्योंकि हम 2 करोड़ लोगों पे ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं इस चीज को। अभी एक बहुत अच्छा एक आइडिया दूंगा आप लोगों को, और वो चीज पॉसिबल हो सकती है। आपको लगता है कि अभी हम कभी टीवी फ्री में देख सकते हैं? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो। कभी आप लोग सोचे कि आप अभी डिजिटल टीवी, डिश टीवी या एयरटेल डिश टीवी देखते हो, अभी पैसा देते हो ना पर मंथ का, सोचो लाइफ टाइम तक टीवी हम फ्री में देखते रहे, हो सकता है? अभी मैं बताता हूं कैसे होगा। अभी टीवी में एड्स आती है, लोगों को एड्स दिखाओ। अभी एडवर्टाइजमेंट कंपनी जितना लोगों उनको चैनल वाला को देती है, अगर चैनल वाला बंदा थोड़ा सा कम कमा ले और थोड़ा सा कम कमा के वो लोगों को दे दे, तो यार दुनिया भर की एड्स देखेगा बंदा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट अलग से होगी, उसका रिचार्ज हो जाएगा। तो रिचार्ज हो गया समझो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट बनते गए बनते गए बनते गए और टीवी फ्री में हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम, मैं यहां पर मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि नेटवर्किंग के थ्रू और फ्री कंसेप्ट को जोड़कर आप लोग कुछ ना कुछ बड़ा बनाओ। अगर किसी टाइप की हेल्प की जरूरत है तो मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर आने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ भी प्रोजेक्ट आप लोगों के माइंड में है कि हाँ ये चीज़ शुरू की जा सकती है, कि हम इस तरह से नेटवर्किंग जोड़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ में, हर चीज़ में नेटवर्किंग जोड़ी जा सकती है, हर चीज़ में, आप एक बार आइडिया लगाओ। अभी टीवी में बोला मैंने, उसमें भी नेटवर्किंग जोड़ दो उठा के, फ्री में सबको टीवी दिखाओ, फ्री में सबको सामान खिदवाओ, पैसा अलग से कमाओ, सब हो सकता है। आने वाला टाइम फ्री का है, महंगाई बढ़ने नहीं वाली, घटने वाली है अगर ये कंसेप्ट अपना लिया गया। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मेरी स्पीच सुन रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए कि MLM प्लस फ्री अगर हो जाता है तो सही में अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इतना ही। Thank you, Mahesh. Thanks, Venkatesh.